2020 में नासा की एक रिसर्च ने दावा किया है कि उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम की बाहरी बाउंड्री यानी कि सौरमंडल का छोर ढूंढ लिया है। पहले टेक्नोलॉजी आज जितनी एडवांस ना होने के कारण पहले इसे ठीक से परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने इस इनविजिबल सीमा को देख लिया है और इसे हाइड्रोजन वॉल नाम दिया गया है, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंतिम किनारे पर स्थित है। सोलर सिस्टम हमेशा से ही एक जिज्ञासा का विषय रहा है। इसे लेकर हमारे मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था, क्या हमारे सोलर सिस्टम के किसी अन्य ग्रह पर पानी हो सकता है। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। इनमें से कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें ब्रह्मांड में की जाने वाली रिसर्चों से मिल गए हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो अभी तक हमारे लिए रहस्य बना हुआ था कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है और यह कहां तक फैला है। तो आइए नासा की इस रिसर्च के जरिए हम अपने सोलर सिस्टम के छोर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें। सोलर सिस्टम यानी जिसमें एक सूर्य होता है और बाकी के सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह, 2 ड्वार्फ प्लेनेट, बहुत सारे मून और भी कई अन्य चीज़ें मौजूद हैं। नासा द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार सोलर सिस्टम का छोर वहाँ तक होता है जहाँ तक उसके सूर्य की पहुँच होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य द्वारा उत्पन्न सोलर विंड्स जहाँ पर इंटरस्टेलर मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती है, वहीं पर सोलर सिस्टम का छोर मौजूद होता है। इंटरस्टेलर मीडियम को तारों के बीच की जगह द्वारा परिभाषित किया जाता है और यह गैस, धूल व मैटर द्वारा बना होता है। हमारा सूर्य हर समय सुपरसोनिक स्पीड से चार्ज पार्टिकल्स यानी कि सोलर विंड्स की बौछार करता है। ये सोलर विंड्स इंटरस्टेलर मीडियम के संपर्क में आने से उसे धक्का देती हैं और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है सोलर विंड की गति कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब सोलर विंड्स में मौजूद चार्ज पार्टिकल इंटरस्टेलर मीडियम के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं। नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट द्वारा सोलर सिस्टम के अंतिम छोर को यहीं पर स्पॉट किया गया है और इसे हाइड्रोजन वॉल नाम दिया गया है। छोर पर इंटरस्टेलर मीडियम का मास बहुत कम होता है, लेकिन यह इतना मजबूत होता है कि सोलर विंड को पास नहीं होने देता और ठीक इसी समय पर यह मास इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता कि सोलर विंड को बस्ट कर पाए। इस समय इंटरस्टेलर का यह मास सोलर विंड को अंदर की तरफ धकेलने लगता है। अभी तक वैज्ञानिकों को यह लगता था कि प्लूटो के बाद सोलर विंड ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्टिक एनर्जी के साथ मर्ज हो जाता है, लेकिन नासा की इस रिसर्च के एविडेंस यह प्रूफ करते हैं कि सोलर विंड द्वारा कैरी की गई एनर्जी और मैटर एक जगह पर इकट्ठा होकर हाइड्रोजन वॉल बना सकते हैं। हमारा सूर्य पूर्ण रूप से हाइड्रोजन द्वारा बना है, जो एनर्जी और हीलियम उत्पन्न करने के लिए जलता रहता है। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे गए डेटा के अनुसार नासा का कहना है कि हमारे सौरमंडल का अंतिम छोर हाइड्रोजन से बना होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह फाइनल रिसर्च नहीं है क्योंकि न्यू होराइजन ने अल्ट्रावायलेट रेस को डिटेक्ट किया था, ना कि हाइड्रोजन वॉल को। नासा ने हमारे सोलर सिस्टम का छोर तो ढूंढ लिया, लेकिन वह पूरी तरीके से यह नहीं जानते कि यह किस चीज से बना हुआ है। उम्मीद है कुछ समय में नासा यह जानने में भी सफल हो जाएगा। दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।